खिला नहीं। कौन सा जूस लेना है? हाथ लगा, ये वाला। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया और आपकी मेहरबानी। तो जी आज दिन है मंगल का और अभी अभी देख रहे हैं आप, मैं बैठा हूँ रिक्शे में क्योंकि पोशिंग वगैरह जो इसकी फटी हुई थी ना, आज मैंने प्रोग्राम बनाया कि मंगल पर जाना है तो वहाँ से कपड़ा वगैरह जो मिलता है ना इसका, यार इसके ऊपर अगर वो डाल देंगे ना तो ये जो फट रही है ना पोशिंग ऊपर से, तो इसकी सेफ्टी वगैरह जो है ना हो जाएगी। ये ऊपर से ना हार्ड होकर ना फट रही है, तो वो कपड़ा जो इसके ऊपर आ जाएगा तो ये नीचे वाली जो चीज़ है ना वो सेफ हो जाएगी। तो अभी मैं ना यहाँ आया था इसकी पमाइश करने कि ये कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, और नलकी साथ लेके आए हम, धागा इसको बोलते हैं हम, तो धागा जो है ना नाप के इसकी पमाइश करके लंबाई चौड़ाई, तो फिर वहाँ देखेंगे कि इसके जो है ना जो नाप की जो है ना कौन सी है। पहले जो अम्मी और कज़न मेरे हैं ना वो गए थे, उन्होंने देखी है, पसंद भी उनको आ गई, लेकिन मैं नहीं था साथ तो उनको नहीं पता था कि कितनी इसकी पैमाइश है, कितना लंबी और चौड़ी लेनी है। तो अभी करने लगा हूँ पैमाइश में, उसके बाद चलते हैं जी। दूसरी ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा मैं जा रहा हूँ मंगल पे, छोटा सा था तब गया था एक दफ़ा, तो अब दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ जो है ना, वो भी ये पोशिंग वगैरह के सामान लेने, वरना मैं नहीं जाता मंगलों में। ये इतनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख लेते हैं ना क्योंकि जो सिलाई वगैरह होनी है ना इसके साथ, तो वो इतनी जो है ना इसके अंदर ही आ जाएगी, तो यहाँ से काट लेते हैं। सो फाइनली मंगल पे आ गए हम, यार चादरें वगैरह जो है ना यहाँ से ले रहे हैं, देख रहे हैं को पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि छत के लिए और लेनी है ये वो। ये सारा मंगल बाज़ार लगा हुआ है इधर, बहुत ज़्यादा पसीना है इधर यार। ये ना शर्ट वगैरह ये पड़ी हैं, तो वहाँ मुझे एक पसंद तो आई है लेकिन वो ना ज़्यादा महंगी बता रहा है, तकरीबन 1500 रुपए की। तो घर वाले जो हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है घर वाले जो हैं वही करते हैं सारा कुछ, तकरीबन 900-800-900 में तकरीबन फाइनल हो जानी। फाइनली 1000 में डील कंप्लीट हुई है हमारी जी, 1000 में लेने लगे हैं भाई से। हाँ जहाँ दे गुस्से नहीं, यहाँ भाई कह रहे हैं शाम का टाइम है तो इसलिए आपको 1000 का दे रहे हैं, वरना 1200 का था ये। लो जी शॉपर ना बाहर जे कि ये मंगल बहुत बड़ा बाजार लगता है, फैसलाबाद से लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं। लो जी मेहरबानी। ठीक सो जी फाइनली मेरा काम तो हो गया कंप्लीट, तो घर वाले कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान लेने लगे हैं, तो उसके बाद हमने जाना है हॉस्पिटल। मादी का है ना थोड़ा सा हाथ है ना वो जला है, तो उसके लिए दवाई लेनी थी, तो वो भी उधर जाना है अभी। और ये मंगल बाज़ार फैसलाबाद से वहाँ इधर आती है, दुकानें वगैरह लगा कर ना बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकता इधर। अपने शेर के लिए जी हम पेंटे ले रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चे हैं ना तो ज़्यादा जो हैवी किस्म की पेंटे पहन नहीं सकते, तो यहाँ से हल्की फुल्की जो मिल जाए इनके लिए वो बेहतर है। पानी में इन्होंने 3 में तकरीबन 5-6 दफ़ा तो इन्होंने कपड़े बदलने होते हैं, ये तो है ही पानी का घोड़ा। यहाँ इसके हाथ ख़राब थे, ये दाने बने हुए हैं ना, तो इसी की दवाई लेने जाना है अभी। चलिए पति चलिए। मादी और मैं वापस जा रहे हैं क्योंकि घर वालों ने अभी तक सामान नहीं लिया, और ये जो है ना वो अभी घबरा रहा था, और गर्मी अंदर बहुत ही ज़्यादा है, यकीन करें पसीने आने लग गए हैं। ये बहुत बड़ा बाज़ार है, तकरीबन वहाँ रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, पटरी से शुरू हो गए ये रोड तक आता है। ये देखना आप पीछे रश ही रश लगा हुआ यार। तो अभी मैं स्कूटर के पास जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल के पास पर्ची वाले, रास्ता बंद हो गया है तो यहाँ से ध्यान से गुजरना है। मोटरसाइकिल हमारा उस साइड पे खड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से गए थे और यहाँ से निकले हैं, चेक करें इतना बड़ा बाजार है। सो जी अभी आ गए हम जहाँ हमने मोटरसाइकिल अपना खड़ा किया था, यहाँ पे 258 ये मोटरसाइकिल खड़ा है हमारा, तो अभी यहाँ हम खड़े होते हैं। यहाँ से चेक करें अभी वहाँ से शुरू होता हुआ और वहाँ तक सुपीरियर कॉलेज तक है, और दूसरी साइड पे जो है ना ट्रेन की पटरी, वो ट्रेन भी मेरे ख्याल में दूसरी साइड से गुजर रही है, वहाँ तक है। बहुत बड़ा बाज़ार है, ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ तकरीबन,
पहले छोटा सा था तब आया था और अब आया हूँ, वो भी कपड़े लेने थे ये रिक्शे के ना, तो वो लेने आया हूँ। 20 मिनट हो गए यार, अभी तक घर वाले तो आए नहीं हैं, तो अभी प्यास लगी थी हमें, हमाद भी हो रहा है इसको मेरे ख्याल प्यास लगी है, तो ये सामने एक छोटी सी ना, छोटी तो नहीं है माशाल्लाह से बड़ी है बेकरी बनी हुई है, यहाँ से आए हैं कुछ जूस वगैरह देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो यहाँ से। ये जी यहाँ है बेकरी मादी, मत की लेने बोतल एक बनाओ यार, की लेने कौन सा जूस लेना है, हाथ लगा ये वाला। अच्छा जी ठंडा अपार, मैं तो पीऊंगा भाई कोक। ये पहले नहीं थी इधर लेकिन मेरे ख्याल में न्यू अभी अभी बनी है, ये सामने स्कूल के ना, पहले तकरीबन इधर नहीं थी, ये अभी अभी मेरे ख्याल काम स्टार्ट किया इन्होंने, माशाल्लाह से अच्छी बन गई है। बोतल बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और हमाल पीछे जो है ना इंजॉय कर रहा है, बच्चा है ना, यहाँ से जाकर अभी आपको क्लियरली नज़र आएगा। सो जी फाइनली मंगल से तो हम आ गए थे, लेकिन अभी ना मादी की दवाई लेनी थी ना, बड़ी जगहों से ली है लेकिन वो उसका हाथ ठीक नहीं हो रहा, यहाँ से एक छोटा सा क्लिनिक था तो उन्होंने बोला कि यार आप यहाँ से चेक करवाएं शायद वाली बात है तो वो ठीक हो जाए, अभी इधर आए हैं वो भी अंदर गए हैं दवाई वगैरह लेने, मैं बाहर बैठा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है इसी वजह से। वो सामने डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं और ये खड़ा है मोटरसाइकिल, हवा कम थी पिछले टाइम में लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ इसमें हवा डलवाने थोड़ी सी। ये जी कज़न मिल गया हमें, सामने खड़े हैं बाशो नुमान का भाई, गुजर रहा था यहाँ से तो ये अभी मिल गया, सामने भी मामू का बेटा है और ये भी मामू का बड्डा हो गया कल कटी जाना शुक्र अलहमदुल्ला, दंद आ पी वेख और। तो वापस आ गया था मैं यार, हवा कम थी पिछले टाइम में वो डलवानी थी ना, तो अभी क्लिनिक के सामने खड़ा हूँ, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया मुझे खड़े हुए, लेकिन यार यकीन करें बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, लगता है कि बंदा ठीक है। तो जी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दे दी हैं, तो उन्होंने कहा हमारी सिर्फ दवाइयाँ जो है ना वो हारून मेडिकल स्टोर से मिलती हैं यहाँ से, तो भी गए हैं घर वाले अंदर दवाई वगैरह ले लें, दवाई ले के हमने फिर वापसी जाना है घर, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे, ये जो दाने बने हुए हैं ना इसके बड़े भाई को भी हैं अहमद को भी, तो उसकी भी हमने ना मेडिसिन लिखवा ली है, इसकी भी लेनी है और उसकी भी साथ ही हमने लेनी है।